ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। कई राज्यों में हो रही गुर्जर कार्रवाई पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि कई राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं, जिस पर जस्टिस गवई ने सवाल किया कि किसी के आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तो दोषी होने पर भी नहीं कर सकते, कोई नियम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने के भी नियम होने चाहिए। सीएम के पास कोई पावर नहीं घरों को गिराने की, कोई भी सीएम पूरे देश का ये आके बताए कि हमारे पास पावर है, आपको घर गिराने की पावर नहीं, आपको रूल के मुताबिक काम करने की पावर है, कानून से बाहर जाके नहीं, किसी के बाप का देश नहीं है ये, ना सीएम का, ना पीएम का, ना किसी जज का। ये देश घरों को गिराने के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी लोगों को के लिए घर बनाने के लिए है, लोगों के घर गिराने के लिए नहीं। मगर डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई न्याय नहीं हो सकता, इसको न्याय कह नहीं सकते, ये न्याय नहीं, अपराध है। और अपराध जिसने भी किया है, जिन लोगों ने मशीन भेजी है, कौन ऑफिसर हैं, किन के ऑर्डर से ये काम हुआ, वो अपराधी हैं, वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए इस देश के अंदर। वो अपराधी है? यस, कह रहे हैं इलीगल प्रॉपर्टी थी। मैं ये कह रहा हूँ क्या होता है इलीगल प्रॉपर्टी, क्या होता है इलीगल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनी हुई है सालों सालों से, वहाँ बिजली का कनेक्शन भी होगा, वहाँ लोग रह भी रहे थे, 24 घंटे में उसको गिराने का आदेश दिया कैसे जा सकता है? अरे गाड़ियों तक को भी मशीन से तोड़ा जा रहा है। इस तरह से किसी के सामान को तोड़ना, ये तो अपराध है। जो पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं फारूक राशिदी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी इस पर आई है और कहा है कि सिर्फ आरोप के चलते जो है घर नहीं गिराए जा सकते, क्या कुछ चला है इस पूरे प्रक्रिया? हमारा यही कहना है कि आप FIR करते हैं किसी के खिलाफ, अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं, उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता है, ये कहते हुए कि इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे गाइडलाइंस मांगी है दोनों पार्टी से कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, तो उस पर गाइडलाइंस के लिए सबसे राय मांगा है और उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए 17 तारीख को मैटर फिक्स किया सुनवाई के लिए। बाकी जो नोटिस की बात आ रही है कि स्टेट को नोटिस दिए जाएंगे, किस तरीके के नोटिस की बात? नहीं, आज जो IA फाइल हुई थी तो उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लोगों ने डाला था, जिनके मकान को डिमोलिश किया है वो लोग खुद आज यहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी इम्प्लीमेंट अलाउ कर दी है। और कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो गाइडलाइंस बनाएंगे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में लागू होगी, पैन इंडिया लागू होगी। क्या जिन लोगों के अब तक घर टूटे जा चुके हैं, क्या किसी तरीके के मुआवजे की बात या कुछ इस तरीके की कोई बात सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, मुआवजे की प्रेयर है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने तोड़ दिया है, तो उनको मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए। और अभी हाल में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मैटर में 36 लाख का मुआवजा पास किया है, वहाँ पे भी ऐसे ही घर तोड़ दिया गया था जो कि लीगल नहीं था, तो उस वो भी प्रेयर है हमारी कि अगर इलीगल घर नहीं है, अगर आपने तोड़ा है तो उसको मुआवजा दिया जाए। याचिका में प्रमुख बिंदु क्या थे जिन पर दलील दी गई? याचिका में हमारा प्रमुख बिंदु यही है कि जहाँ भी माइनॉरिटी की या कोई ऐसे लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है तो सिलेक्टिवली उनका घर तोड़ दिया जाता है, कहते हुए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा, हमें ना नोटिस मिलता है, ना हमें अपील करने का समय मिलता है, ना तो हमें घर खाली करने का समय मिलता है, इमीडिएटली हमारा अगले दिन घर तोड़ दिया जाता है, उसके खिलाफ हम यहाँ आए थे। जो 3 राज्यों का जिक्र हुआ है उनमें घटनाएं भी मेंशन की गई थी, किन किन घटनाओं को लेकर? हाँ बिल्कुल, राजस्थान में उदयपुर की जो अभी घटना हालिया हुई है, और मध्य प्रदेश में जो शहजाद अली का हुआ है, और एक उत्तर प्रदेश में हुआ है उसको भी मेंशन किया गया था, अयोध्या में जो बेकरी और ये सब तोड़ी गई उसको मेंशन किया था। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, अगली सुनवाई में किस तरीके की चीज़ें? सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन मांगा है हम लोगों से, और सजेशन के हिसाब से वो लोग अपना एक गाइडलाइंस बनाएंगे जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगी। अगली